हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है लोकेश, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स के बारे में जिनसे आप अपने मोबाइल के अंदर बहुत अच्छे लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। अब जब आपने पिक्चर्स क्लिक कर लिए हैं और आपको अपने गैजेट का बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है एडिटिंग प्रोसेस। एडिटिंग प्रोसेस फोटोज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि क्या होता है जब आप एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं लेकिन आपको जो उस पिक्चर में शो करना है वो इजीली आप शो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एडिटिंग की जरूरत होती है। और उस एडिटिंग को करके आप एक बेसिक इमेज को परफेक्ट इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी हम पिक्चर्स क्लिक तो कर लेते हैं लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है, और उस चीज़ को इजीली शो करने के लिए हमें उस पिक्चर को एडिट करना होता है, जिससे कि हम उस इमेज में जो शो करना चाह रहे हैं वो इजीली शो हो पाए। तो इन सब के लिए मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन अवेलेबल होती है जिनसे आप अपने पिक्चर्स को बहुत अच्छे लेवल पर एडिट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग देयर क्वालिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्नैपसीड की। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप बेसिक लेवल से लगा के प्रो लेवल तक की एडिटिंग इजीली अपने मोबाइल में कर सकते हैं। और इस ऐप में एडिटिंग करने का सबसे खास फायदा ये है दोस्तों कि उसमें इमेज की क्वालिटी बिल्कुल भी लो नहीं होती है। स्नैपसीड के अंदर बहुत सारे एडिटिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे SDR मोड, पोर्ट्रेट, ब्रशेस, कर्व्स, डबल एक्सपोजर, सिलेक्टिव एक्सेट्रा। ये सारे एडिटिंग टूल्स आपको एडिटिंग के अंदर बहुत यूज आएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है Lightroom। Lightroom एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप किसी भी पिक्चर के अंदर अलग अलग तरीके की कलर ग्रेडिंग्स कर सकते हैं इजीली। Lightroom के अंदर आप ह्यू और सैचुरेशन को बढ़ा के या कम करके अपनी पिक्चर्स के अंदर अलग तरीके की कलर ग्रेडिंग्स इजीली ला सकते हैं। Lightroom के अंदर एडिटिंग का एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर कलर का सैचुरेशन बढ़ा या कम कर सकते हैं और उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये एडिटिंग टूल आपको बहुत यूज आता है, जैसे कि आप कोई पोर्ट्रेट एडिट कर रहे हो तो उसमें आपको मॉडल से रिलेटेड कोई भी पार्ट या किसी भी पर्टिकुलर कलर को चेंज करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो, या उसके कलर को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो थर्ड एप्लीकेशन है Adobe Photoshop Fix। इस एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत अच्छा एडिटिंग टूल है जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम है Liquify। जब कभी आप कोई पिक्चर एडिट करते हो और आपको उसके अंदर किसी पार्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो ये आपको उस चीज के लिए फ्रीडम देता है। आप इस ऐप की मदद से अपनी पिक्चर्स में उस पर्टिकुलर पार्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज इजीली कर सकते हैं। Liquify टूल का मेनली यूज पोर्ट्रेट एडिट के अंदर आता है। जब आप किसी पोर्ट्रेट को एडिट कर रहे हैं तो आप फेस और आईज की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके लिए बहुत यूजफुल ऐप साबित हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बात करेंगे दो स्पेशल ऐप्स के बारे में जिनसे आप अपनी पिक्चर्स के अंदर थोड़ा सा प्रो लेवल तक का एडिटिंग दे सकते हैं और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फोर्थ नंबर का एप्लीकेशन आता है LD। इस एप्लीकेशन से आप अपनी पिक्चर्स के अंदर लेंस फ्लेयर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पिक्चर बेसिक से प्रो लेवल की लगेगी। इसके अंदर और भी फंक्शन अवेलेबल है, जैसे स्मोक, रेन, स्नो, शेड्स, और इन सब एडिटिंग टूल्स को इजीली यूज करके आप अपनी पिक्चर्स को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो पांचवा ऐप है अनफोल्ड ऐप। अनफोल्ड ऐप को यूज करके आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज को बहुत अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। इस ऐप के अंदर आप दो या चार पिक्चर्स को एक साथ ऐड करके कुछ क्रिएटिव इंस्टाग्राम स्टोरीज बना सकते हैं इजीली। मेनली मैं इस एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम स्टोरीज रेगुलर अपलोड करनी होती है, तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है। जैसा कि मैंने आपको इन सब एप्लीकेशन के बारे में बताया, तो इन सब एप्लीकेशन के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है जो कि मैं इजीली इस वीडियो में नहीं बता सकता। तो मैं ऐसा करूंगा कि इन सब के लिए एक अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप इनको इजीली देख सकते हैं कि इनके फंक्शंस को इजीली और कैसे यूज किया जा सकता है। और लास्ट में सबसे आखिरी बात ये है कि एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, जितने एक्सपेरिमेंट करोगे आप उतना ही प्रो लेवल की एडिटिंग कर पाओगे इजीली। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।